दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुछ तो मिला में। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम ट्रैवल संबंधी, ऐप संबंधी और इंटरनेट संबंधी जानकारी शेयर करते हैं। दोस्तों आज की जानकारी रेलवे के ऊपर है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें और नीचे जो रेड कलर में बेल आइकन दिया हुआ है उसे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों रेलवे में एक बैठक हो रही है जिसमें पता चलेगा कि क्या 4 मई के बाद से ट्रेनें चलेंगी या नहीं चलेंगी। बुधवार को देश के कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा और रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक होगी। इस बैठक में ट्रेनें कब से शुरू होगी इस पर फैसला हो सकता है। अभी डेट कंफर्म नहीं है दोस्तों, और लेकिन रेल मंत्रालय और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की जो बैठक होने जा रही थी, इस बैठक में देश के रेलवे ऑपरेशन मतलब ट्रेन कब से शुरू करना है इसको लेकर चर्चा होने की संभावना है। लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए यह मीटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में कोरोना के खौफ के बीच रेलवे के अलग अलग पहलुओं पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि भारतीय रेल ने 22 मार्च से ही अपनी सारी पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी हैं। फिलहाल ट्रेनों को 3 मई यानी लॉकडाउन के अंतिम दिन तक रद्द रखा है और 3 तारीख के बाद की भी बुकिंग पर, हर तरह की बुकिंग पर रोक लगा दिया है। तो दोस्तों अब ये बैठक के बाद ही पता चलेगा। इसका मुख्य कारण कई राज्यों ने प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने की मांग की है। दूसरी तरफ रेलवे के पास ऐसी भी सलाह है ये कि शुरू में जब भी ट्रेनों को चलाया जाए तो एसी ट्रेनें न चलाई जाए, एसी कोच न हो, ताकि संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। कोरोना का संक्रमण एसी में मतलब ठंडे में ज़्यादा फैलता है, इसीलिए केवल स्लीपर वाली ट्रेन चलाई जा सके। साथ ही जो भी ट्रेनें चलाई जाएँ वो रेड जोन में ना हो, जो भी रेड जोन में आती हों वहाँ पर ट्रेनें न चलाई जाए, और इसके अलावा ट्रेनों के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच चलाई जाए और दोनों ही जगहों पर मुसाफिरों की पूरी स्क्रीनिंग हो, मतलब पूरी जाँच हो। इससे बीच के स्टेशन पर मॉनिटरिंग का काम मुश्किल नहीं करना होगा। रेलवे ने इस बात पर भी चर्चा की है कि शुरू में सीमित संख्या में मुसाफिरों को सफ़र करने की अनुमति दी जाए। माना जा रहा है कि इन तमाम पहलुओं पर बुधवार को मीटिंग में चर्चा की जाएगी। हालांकि ट्रेनों को कब तक बंद रखा जाए और कब से स्टार्ट किया जाए इसका अंतिम फैसला केंद्र सरकार को करना है। जब भी केंद्र सरकार हरी झंडी देगी तभी रेलवे मंत्रालय रेल को पटरियों पर दौड़ाएगा। और तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों कमेंट आप लोग नहीं करते, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।